कथित अश्लील सीडी मामले में गाजियाबाद से गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा को रविवार को रायपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। करीब घंटे भर की बहस के बाद रायपुर कोर्ट ने विनोद वर्मा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विनोद वर्मा के वकील ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कोर्ट में उन्होंने प्रदेश के 2 मंत्रियों का नाम लिए हैं, जिनके दबाव में उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वकील ने कहा कि विनोद वर्मा के पास से पुलिस ने एक पेन ड्राइव, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है और न ही किसी प्रकार की सीडी पुलिस ने जब्त की है। बचाव पक्ष के वकील सतीश वर्मा की माने तो विनोद वर्मा की जान को खतरा है और पुलिस से भी डर है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने कोर्ट से अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर। देखिए, आज कथित अभियुक्त प्रपोज्ड अभियुक्त विनोद वर्मा जी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिल्ली से लेके आने के बाद पहली बार विनोद वर्मा जी ने कोर्ट में बताया कि कल रात को उनको करीब 8 बजे रायपुर ले आया गया था। 7 बजे 8 बजे के बीच 2 घंटे उनको पाटन के क्षेत्र में अननेसरी पुलिस ने ट्रेवल कराया, 2 घंटे उनको बिना मतलब घुमाया है। और हम लोगों ने यह भी प्ली दिया है कि विनोद वर्मा जी को संबंधित थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए न ला के कुछ ऐसी जगहों पर रखा गया जहाँ पे अधिकारिता पुलिस को नहीं थी वहाँ पे रखने का, ये भी मुद्दा उठा है। विनोद वर्मा जी के तरफ से धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है। हमने एक आवेदन और याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें हमारा विनोद वर्मा जी के तरफ से सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ शासन के 2 वरिष्ठ मंत्री जो संवैधानिक पदों पर हैं, वो अपने षड्यंत्रों के तहत उन्हें फंसाया गया है और वो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए विनोद वर्मा जैसे रेपुटेड पत्रकार को झूठे मामले में फंसाए हैं। विनोद वर्मा जी ने सारे मामले में एक प्रोटेस्ट पिटीशन 156(3) धारा 54 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले को प्रायोजित किया गया है, उनसे सीडी जब्ती नहीं होती और जिस व्यक्ति की सीडी जब्ती की बात पुलिस करती है तो 2 घंटे के भीतर पुलिस को पहुंचने का ऐसा कौन सा क्लू मिल गया था, ऐसा कौन सा एविडेंस मिला विनोद वर्मा जी के खिलाफ, जबकि कंप्लेनेंट कहता ही नहीं है कि विनोद वर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, जबकि कंप्लेनेंट ये कहता है कि जिस सीडी दुकान में सीडी बन रही थी वहां से कंप्लेंट आ रहा, वहां से उनको फोन आया कि तुम्हारे आकाओं की सीडी बन रही है तो और आका कौन है, प्लस उसने किसी आका का नाम नहीं दिया, उसने फोन करने वाले का नाम नहीं दिया, फोन करने वाले का हुलिया विवरण कुछ भी नहीं बताया है। तब पुलिस को 2 घंटे के भीतर ये कैसे पता चल गया कि पत्रकार विनोद वर्मा के द्वारा ये काम किया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, विनोद वर्मा जी ने 156(3) में ये उठाया आज माननीय न्यायालय के समक्ष कि उस दुकान वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ ऐसा लीनियंसी क्यों दी गई है, पुलिस ने उनको मदद क्यों की, शासन ने उनको मदद क्यों की है। यदि यदि सीडी बनाने का काम किया है तो शासन के अनुसार भी सीडी उस दुकान में बनी है जिस दुकान वाले का नामो निशान नहीं है। विनोद वर्मा को आपने गिरफ्तार करके लिया है, विनोद वर्मा ने सीडी बनाई नहीं है, शासन का केस है। शासन ये कहता है कि विनोद वर्मा से जब्ती हुई है सीडी की, जबकि विनोद वर्मा ने आज 156(3) का एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि मुझसे कोई सीडी की जब्ती हुई नहीं है, ये पुलिस की झूठी कार्रवाई है। और उन्होंने 156(3) में एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने का मांग किया है उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है उनके ऊपर और उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर, उस प्रोसिक्यूशन एजेंसी के ऊपर जिसने ऐसा षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर, रिमांड की क्या स्थिति है? रिमांड के लिए उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है, अभी माननीय न्यायालय जैसा निर्णय देगी। हाँ जी, ये बात आई है इसमें, चूंकि विनोद वर्मा जी अंतागढ़ का मामला भी मैंने लड़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से फाइल हुई थी पिटीशन। अंतागढ़ के मामले में विनोद वर्मा जी माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए लगातार उपस्थित रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। माननीय उच्च न्यायालय में विनोद वर्मा जी उपस्थित रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ बड़े अधिकारियों को, कुछ बड़े संवैधानिक पदों के व्यक्तियों को लगता है शायद कि विनोद वर्मा के पास सारे सबूत हैं जिसको खत्म कर दिया जाए। ये विनोद वर्मा का स्पष्ट आरोप है 156(3) में, उसकी जांच को मांग रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं ये नाम हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, हमने लिख के दे दिया है, विनोद वर्मा जी ने कोर्ट में बता दिया है, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच की मांग विनोद वर्मा ने करी है। रिमांड का ग्राउंड क्या है सर? पुलिस विनोद वर्मा जी ने कहा है कि उनके जान माल को खतरा है क्योंकि जो 2 बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके अनुसार ये पूरा मामला मैनेज कर लिया है, वो उनको कस्टडी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और प्राइम ऑफिसर ये बात ऐसा सही भी लगता है क्योंकि कल अगर विनोद वर्मा जी को गाजियाबाद कोर्ट के आदेश अनुसार लाते ही तत्काल प्रस्तुत करना था तो रात होने तक के लिए उनको पाटन क्षेत्र में घुमाने का पर्पस क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जाँच का विषय है जिसकी जाँच होनी चाहिए। नहीं, शिकायतकर्ता नहीं दिखे कहीं। सर, पुलिस किस लिए रिमांड मांग रही है? ये हमको नहीं मालूम, ये पुलिस नहीं बताया, उनका कहना इन्वेस्टिगेशन करना है।